प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नालागढ़ दौरे के बाद मानो राजनीति में भूचाल सा आ गया है। एक तरफ जहां अनुशासन के नाम पर नालागढ़ एसपी और उपायुक्त सोलन का तबादला कर दिया गया, वहीं अब इस फैसले के विरोध में बबलू पंडित नामक व्यक्ति उतर आया है और उसका विरोध इतने चरम पर पहुंच गया कि उसने अपने आप को नगर परिषद कार्यालय के बाहर तेल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने मौके को संभालते हुए बबलू पंडित पर कंबल डालकर उसके इस प्रयास को विफल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं इस घटना पर खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि जिस व्यक्ति ने ये कदम उठाया है वह कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और वह इस मुद्दे पर गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है और इसी बौखलाहट में वह प्रदेश में शांति के माहौल को भंग करना चाहती है। यही कारण है कि इसी तरह से कांग्रेस हमेशा हाथ में पेट्रोल लिए रही है और वह प्रदेश को राजनीति द्वेष की आग में झोंकना चाहती है। ये कहना चाहता हूं और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, इंट का एक कार्यकर्ता है और मैं कांग्रेस से ये आग्रह करना चाहता हूं कि हर मामले में हर जगह केवल तेल की बोतल लेके ना घूमा करें, कभी पानी की कैनी लेके भी चलें, जहां पर आग लगाने की कोशिश ना करें, जहां भी इनको मौका लगता है प्रदेश में कैसे असंतोष हो, किस तरह से आग भड़के, इस मानसिकता के साथ इनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। और कांग्रेस के लीडरशिप को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे छिछोरे कार्यकर्ताओं को थोड़ा लगाम लगाएं। ये दरअसल इनको डेवलपमेंट से, इनको प्रदेश की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा कंट्रोवर्शियल कोई ना कोई भावनाएं भड़का के समाज को बांटने का काम करते हैं और अब समझ आ जानी चाहिए कि लोगों का ऐसी नीतियों से मोह भंग हो चुका है और आपको भी डेवलपमेंटल एजेंडे के ऊपर काम करना चाहिए। लोग यही चाहते हैं।